हस्तिनापुर की पावन भूमि पर स्थित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज सप्तम दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री सुभाष जैन श्री दुष्यंत जैन हस्तिनापुर को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री सुशील जैन यूनियन मेरठ बैंक प्रतीक जैन फिरोजपुर पंजाब को प्राप्त हुआ। सुनीता दीदी ने विश्व के सभी जीव सुखी रहें ऐसी मंगल भावना के साथ शांति धारा का उच्चारण किया। शांति धारा करवाने वाले परिवार से श्री स्वर्गीय जगदेव सिंह की स्मृति लाला वाली पुण्य स्मृति में सुभाष जी मुकेश देवी दुष्यंत गुड़ी आरती पूजा हस्तनापुर सुशील जी राजरानी जैन आगम जैन वैभव जैन सा परिवार से एवं उपस्थित इंद्र इंद्राणी परिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन सा परिवार से सी सागर वाले सी शैलजा जैन पत्नी प्रभात जैन राहुल जैन स्वाति जैन बिजनौर वाले अर्चना जैन पत्नी डॉक्टर प्रवीण जैन पुत्री स्तुति जैन स्वीकृति जैन सुतांत सिटी अंसल मेरठ वाले नरेश कुमार जी जैन श्रीमती मधु जैन आशीष जैन मॉडल टाउन दिल्ली संजीव कुमार जी सीगरी रामकड़ राजस्थान नीतू जैन नीरज जैन सांतक जैन किंजल जैन रोहिणी रोहिन जैन के जन्मदिन पर जौबर सोवान अंधेरी बेट मुंबई एवं उपस्थित समस्त इंद्राणी परिवार से मम परिवार से व्यादिम धनंतो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीप प्रज्वलन सामूहिक रूप से किया गया। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन आदिनाथ भगवान के पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ चढ़ाए गए। आज 201 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री नरेश कुमार जैन श्रीमती मधु जैन आशीष जैन मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती लता जैन अजय जैन रीवा वाले आयुषी ईशान प्रज्ञा मनु शिवांग अंजुल अंकु जैन जेपी अमन नोएडा श्रीमती सुशीला जैन श्री सुशील जैन स्वप्निल विकास वैभव तारा देव चीनी जैन मोदी नगर को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धूल लगाने आया हूँ अपने बड़े बाबा को मनाने आया हूँ हस्तिनापुर की धूल सर लगाने आया हूँ। हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्भुपमिति। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्री राकेश जैन अरविंद जैन मुरादाबाद ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच सुदूर प्रदेशों से पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती अर्चना जैन श्रीमती रुक्मणी जैन भूषण जैन मधु जैन दीपक जैन न्यू मित्तल मेडिकल मुजफ्फरनगर श्रीमती शोभा जैन श्री तुषार कांत जैन आशी आयुष जैन नेहरू नगर गाजियाबाद श्रीमती आकांक्षा जैन श्री निखिल जैन आह्वान रानू मीनल सोलानी जैन अडानी बिल्डिंग मुंबई ने पाठ का वाचन किया। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र के अंदर बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी में गेंद्रम नब्बे किम निज शिशो
परिपालनार्थम। हिणी प्रेम के बसीभूत होकर के शेर का भी क्या करती है, सामना करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम है। ऐसे की ये भगवान जैसे हिरणी प्रेम के बसीभूत होकर के शेर का सामना करती है, वैसे की भगवान हमारे अंदर तो वो साहस नहीं है, हमारे अंदर वो भक्ति ना होने पर भी हम आपके सम्मुख वह भक्ति करने का भाव बना रहे हैं। जैसे कि एक सेठ जी प्रतिदिन भगवान के चरणों में आते हैं, अष्ट द्रव्य का बढ़िया थाल लेकर के आते हैं, और जैसे कि सेठ जी आते हैं ना तो दरवाजे के ऊपर है ना एक साइड में एक भिखारी बैठा रहता है और दूसरी साइड में भी दूसरा भिखारी बैठा रहता, और सेठ जी जैसे ही अंदर जाते हैं ना तो वो भी उनके साथ में पहुंच जाते और आजू बाजू क्या करते, बैठ जाते। सेठ जी भगवान की तरफ निहारते हैं, लेकिन उसमें से एक जो भिखारी था ना वो भगवान की तरफ नहीं निहारता था, वो किसकी, सेठ जी की तरफ निहारता था और क्या कहता था, सेठ जी तुम्हें भगवान ने इतना दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। सेठ जी सुनते रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो भिखारी बैठता था वो सेठ जी की तरफ नहीं निहारता था, वो कहां निहारता था, प्रभु की तरफ निहारता था। हे भगवान मुझे भी अपने जैसा बना लो, ऐसी भावना भाता था। और सेठ जी जैसे ही बाहर निकले तो वो भिखारी कहे कि हमें कुछ दे दो, लेकिन दूसरा वाला भिखारी भगवान के चरणों में ही मांगता था सेठ जी से नहीं, तो वो दूसरा भिखारी क्या कहता था, पागल हो, ये तो देखते भी नहीं, नासा की दृष्टि है, बोलते भी नहीं, बिल्कुल ओंठ बंद है और हाथ भी नहीं हिलाते, हाथ पर हाथ रखे हैं, मांगो तो इससे मांगो ना। तो वो कहता नहीं, मांगूंगा तो इन्हीं से मांगूंगा। एक दिन सेठ जी जब घर पहुंचते हैं, मंत्री से कहते हैं आज तो बढ़िया 10 किलो दूध की खीर बनाना है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट इलायची और केसर आदि बढ़िया से बढ़िया मावा डाल करके और बढ़िया बासमती चावल की खीर बनाओ। खीर तैयार हो गई, मंत्री ने कहा ठीक। जैसे ये खीर बन गई, मंत्री ने कहा राजन खीर तैयार है, तो राजा कहते गए बढ़िया डिब्बे में इस खीर को रखो। खीर रखी गई, बोले जो बाहर दो भिखारी जो मुझसे मांगता है ये खीर उन्हें देना है, लेकिन जरा और 11 सोने की मोहरें भी इसमें डाल दो। मोहरें कैसी होती है, हल्की होती कि भारी, भारी, और भारी चीज कहां जाएगी, नीचे चली गई। बोले बस अब ये डिब्बा जो भगवान से मांगता उसे नहीं, जो मुझसे मांगता है उसे ये खीर दे करके आ जाना। मंत्री ने आया, खीर दी, जैसे ही उस भिखारी ने खीर देखी, डिब्बा खोला, खुशबू से भर गया, लेकिन खाने के पहले ही देख लिया ना इनने दिया क्या, सेठ जी ने खीर भेजी है। वो कहता कोई बात नहीं, और इसने खीर खाना प्रारंभ की, कितनी खाएगा, खूब सारी खाली गले तक भर करके, थोड़ी सी बची थी। तो जैसे ही अपन ज्यादा भोजन कर लो ना तो एक देवी अपने पास में जल्दी आ जाती है, कौन सी, निद्रा देवी, और वो उसे आने लगी। तो उसने कहा मुझे तो नींद आ रही है, ये बची है ना अब तू ही खा ले, और वो तो सो गया। इसके सामने जैसे ये डिब्बा दिया, इसने एक गिलास तो खाया, लेकिन इसने नीचे जैसे ही हाथ डाला तो इसे एक सोने की मुहर में हाथ में आई। तो इसने कहा ये तो घुरक घुरक कर सो रहा है, चलो
और डिब्बा लेकर के चला गया। अब सेठ जी के मन में तो बड़ी उथल पुथल थी। वो दूसरे दिन आए मंत्री, आज अजमाना है कि क्या हुआ। तो वो तो जिसने खीर खाई थी वो वहीं बैठा था, लेकिन वो बाजू वाला वहां। तो बोले क्यों, जैसे ही सेठ जी को देखा, आपने कल बहुत अच्छी खीर दी थी, बहुत मजा आ गया, मैंने तो दिल से खा ली। वो जो बची थी, थोड़ी सी बची थी लास्ट की, मैंने उसे दे दी। तुरंत सेठ जी के मुंह से निकल पड़ा, ईश्वर ने उसकी सुन ली और उसे सब कुछ मिल गया। वो 11 मोहरे किसे मिली? सेठ जी से मांगने वाले को नहीं, भगवान के चरणों की भक्ति करने वाले को मिली। आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरी पर श्रीमती गीता जैन, श्री राजेंद्र जैन गन्नौर ने भजन प्रस्तुत किए, जिनको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। सविनाथ जिनेन्द्राय द्वितीय बलय मध्ये पूर्ण रघम निपामेति स्वाहा। समस्त स्थानीय जैन समाज ने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़े हर्ष का विषय है कि आज मैं कैलाश पर्वत पर हसनापुर में आया हूँ अपने परिवार के साथ। आदिनाथ भगवान के दर्शन करके मन मेरा विभुल हो गया और आज मेरे बेटे का अनुराग जैन का जन्मदिन है। मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, परंतु आज जन्मदिन पर आने का मेरा सौभाग्य मिला। यहाँ पर 48 भक्तांबर पाठ चल रहा दिवसीय एक दिवसीय, बड़ा आनंद आया, बड़ा विभूति से, बड़े मन लगन से, और मैंने अपने मन भाव से अपने परिवार की ओर से 11 पाठ कराने का निश्चय किया है। मैं उसका बहुत बड़ा पात्र हूँ और मुझे भगवान भी शक्ति दे कि मैं 101 पाठ भी कराऊँ। इतना आनंद आया है, मैं खुश हूँ। मैं आज हसनापुर अपने बड़े भाई श्री राकेश जैन, भतीजा अनुराग जैन के साथ आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कैलाश पर्वत आया और यहाँ 48 दिन का भक्तांबर पाठ का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें मैंने भी 5 दिन के पाठ के लिए संकल्प लिया और 5 दिन का भक्तांबर का पाठ कराने का निश्चय किया। दूसरा, मैंने आज प्राचीन मंदिर में हमें शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने सुबह प्राचीन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की आज शांति धारा करी, जिसका हमें बहुत पुण्य मिला। और मैं अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ की समाज को, यहाँ की कमेटी को, कि इन्होंने इतना सुंदर यहाँ का वातावरण बना रखा है और इतना अच्छा इन लोगों ने यहाँ तीर्थ क्षेत्र को साफ स्वच्छ बना रखा है। उनको ये पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आज यहाँ हसनापुर तीर्थ क्षेत्र में आया हूँ और इस साल भी मैंने सुबह शांतिनाथ भगवान का शांति धारा करने का अपना प्राप्त किया, प्रक्षाल करने का। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे को मेरे माताजी, पिताजी और मेरे चाचा जी के साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ 48 दिनों का भक्तांबर एवं विधान जो चल रहा है उसमें आज हम उसके सहपाठी बने और 11 दिन का विधान पाठ कराने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, यहाँ हसनापुर तीर्थ क्षेत्र पे आएं और यहाँ पर अपने सब परिवार के साथ आएं और यहाँ पे आके धर्म का लाभ प्राप्त करें। पुनर्गम मकारी गम निभामिति स्वाहा। ओम नीमरम नमो सबई जना नमर गन भामिति। ओम नीमरम नमो दत्त पुब्बी नमर गन भामिति। ओम नी क्लीम श्री मनम से सबनाति धंकराय नमः। विधान का विसर्जन श्री अनिल जैन बढ़ौत ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन माधुरी जैन, प्रवीण जैन, रोहित जैन रोहतक ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री विपिन जैन, स्वाति जैन फरीदाबाद ने किया। जगमग आरती की जय। आप ईश्वर भगवान।
चौबीसों भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन मोहित जैन, महक जैन, आशीष जैन दिल्ली के द्वारा किया गया। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्रीमती शालू, श्री दीपक सिंघल दिल्ली एवं श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सराफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री संजय जैन आनंद विहार दिल्ली, श्री विनय जैन जैना माबुल मवाना, श्री अनिल जैन दास मेरठ, श्री सुशील जैन चावल वाले मेरठ का विशेष सहयोग रहा। मुकेश जैन, मनोज, सुभाष, प्रेम, राजीव, उमेश जैन का सहयोग भी प्रशंसनीय रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है उत्तर डी, एक भी नहीं। विजेता निशा जैन डूंगरपुर, सुषमा जैन दिल्ली, राशि जैन बरेली। सांत्वना पुरस्कार सुषमा पाटनी धूलिया, उमा जैन दिल्ली, नीलमणि जैन सहारनपुर। आज का प्रश्न, दान की परंपरा का शुभारंभ किस पावन भूमि से हुआ? ए सम्मेद शिखर, बी महावीर जी, सी हस्तिनापुर, डी गिरनार जी।